अमृतपाल सिंह का लेडी नेटवर्क आईबी और खुफिया एजेंसी को कैसे फेल करता रहा। अपनी पत्नी की से गलती की वजह से अमृतपाल गिरफ्तारी देने के लिए मजबूर हुआ। कहते कितना भी बड़ा डॉन, आतंकी और पत्थर दिल इंसान हो, लेकिन जब अपने परिवार पर बात आती है तो वो टूट जाता है। कल तक पंजाब को खालिस्तान बनाने का सपना देखने वाले अमृतपाल सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अमृतपाल को महिला नेटवर्क ही अभी तक बचा रहा था, लेकिन जिससे अमृतपाल को प्यार हुआ, जब बात उस तक आई तो सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अमृतपाल सिंह ने मोगा के रोड़े गांव को ही गिरफ्तारी के लिए क्यों चुना। इसी रोड़े गांव से खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने अमित शाह को धमकी दी थी। ये वही गांव है जहां आतंकी जरनैल सिंह भिंडरवाले का जन्म हुआ था और अमृतपाल सिंह की दस्तार बंदी यानी कि पगड़ी बांधने की रस्म भी यहीं से हुई थी। अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार और जरनैल सिंह भिंडरवाले का भतीजा जसबीर सिंह रोड़े भी यहीं रहता है। इसके अलावा आतंकवाद के दौरान पंजाब में कई लोगों की हत्या में शामिल आतंकी लखवीर सिंह रोड़े भी इसी गाँव में रहता था, जो इस वक्त पाकिस्तान में छिपा बैठा है। अमृतपाल सिंह के पगड़ी बांधने की रस्म 29 सितंबर 2022 को इसी रोड़े गांव में हुई थी। उस दौरान अमृतपाल सिंह ने कहा था कि सिख कभी भी गुलाम है। कहा जाता है कि जिस गुरुद्वारे में अमृतपाल सिंह ने गिरफ्तारी से पहले प्रवचन दिया, यही से उसका उदय हुआ। भिंडरावाले से खुद को जोड़कर अमृतपाल सिंह सुर्खियों में आना चाहता था और इसीलिए उसने रोड़े गांव में गिरफ्तारी से पहले प्रवचन दिया ताकि सिखों की नजर में हीरो बन जाए। अमृतपाल सिंह गिरफ्तारी के दौरान खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले की तरह ही कुछ इस अंदाज में नजर आ रहा था। पंजाब से भागने के बाद अमृतपाल और उसका दोस्त बपलप्रीत सिर्फ लेडी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह के लिए करीब एक दर्जन लेडी खालिस्तानी समर्थक काम कर रही थी। यही वजह थी कि वो लगातार पुलिस की नजर से बचता रहा। हरियाणा में जब बपलप्रीत की महिला दोस्त गिरफ्तार हुई थी, उसके बाद ही अमृतपाल अलर्ट हो गया था। अमृतपाल ने रुकने और ठहरने का तरीका बदल दिया था। कभी खुद का फोन इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि जिनके यहाँ वो छिपता था उसी का फोन इस्तेमाल करता था। लेकिन अमृतपाल सिंह गिरफ्तारी के लिए कैसे मजबूर हुआ, इसकी जो वजह हो सकती है उसे भी जान लीजिए। अमृतपाल सिंह ने इसी साल फरवरी में यूके की एनआरआई लड़की किरणदीप कौर से शादी की थी। फरवरी में अमृतपाल सिंह से शादी करने के बाद किरणदीप कौर पंजाब में ही रहने लगी और इन दिनों अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा में रहती हैं। अमृतपाल को खुफिया एजेंसी और पंजाब पुलिस खोज रही थी। हालात ऐसे बन चुके थे कि एनकाउंटर भी हो सकता था। अमृतपाल समझ गया था कि अब इंडिया में रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। अमृतपाल सिंह की लव मैरिज है, इसलिए अपनी पत्नी से प्यार भी बहुत ज्यादा करता है। ये बात खुलकर सामने तो नहीं आई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पुलिस के दबाव में अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप ने ही उसे सरेंडर करने के लिए कहा था। मतलब अब तक पंजाब को खालिस्तान बनाने का सपना देखने वाला अमृतपाल अपनी पत्नी के पकड़े जाने के बाद से टूट गया, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान अपना भेष खालिस्तानी आतंकी भिंडरवाले की तरह ही बनाकर हीरो बनने की कोशिश की। असम की जिस डिब्रूगढ़ जेल में पहले से ही कई खूंखार खालिस्तानी समर्थक बंद है, उसी जेल में अमृतपाल सिंह को भी बंद कर दिया गया है। वैसे अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।